गौतम ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। शिक्षक वर्ग दो रिजल्ट आ चुका है, बहुत ही ज़्यादा समय लिया रिजल्ट आने में, रिजल्ट की जो प्रोसेस हुई बहुत ज़्यादा समय लगा, पर आपका रिजल्ट घोषित हो चुका है। ठीक है, अब देखिए रिजल्ट घोषित होने के बाद जैसा कि हमने आपको वीडियो अभी तक प्रोवाइड किया है, लाइव सेशन दिया, सब कुछ आपको जानकारी दी गई। ठीक है, अब देखिए जिनकी रैंक ज़्यादा है, बहुत से लोग परेशान हैं, उनकी कमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं कि सर क्या है कंसोलिडेटेड रैंक, क्या है यूअर कैटेगरी रैंक एंड आपकी जो रैंक ये दी गई है ये क्या है, सब कुछ हमारे समझ में नहीं आ रहा है। तो हम आपके लिए समझाने के लिए आ गए हैं, इस वीडियो में आपको सब कुछ समझाएंगे। किसी भी स्टूडेंट्स का एक आपके जो रिजल्ट है लेके आपको हम सब कुछ क्लियर कराने वाले हैं। ठीक है, तो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, और जिनकी रैंक ज़्यादा है उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप वर्ग तीन की तैयारी में अभी से लग जाइए। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो आपके प्रोसेस है व्यापम की शुरुआत हो चुकी है, वर्ग एक वर्ग दो का रिजल्ट आ चुका है, अब जो नेक्स्ट प्रोसेस रहेगी आपके वैकेंसी आने की। ठीक है, तो जल्दी वैकेंसी आने की संभावनाएं बन सकती हैं, तो आप सभी जिनकी भी रैंक ज़्यादा है वो वर्ग तीन की तैयारी पर लग जाइए अच्छे से। ठीक है, तो चलिए आज की हम इस जानकारी को आपके साथ कंप्लीट शेयर कर देते हैं, क्या है आपका कंसोलिडेटेड रैंक, सब कुछ आपको एक रिजल्ट के माध्यम से बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा एंड लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिए, जिससे कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो रिजल्ट है, ठीक है, अब देखिए सबसे पहले प्रोपोर्शनेट मार्क्स ये क्या होता है, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स ये क्या होता है। सबसे पहले प्रोपोर्शनेट मार्क्स की अगर हम बात करें तो जैसे कि इनका आप देख रहे हैं कि 106.41 है। ठीक है, साइंस सब्जेक्ट का है तो 106.41 है, जो कि आपके ये जो मार्क्स है ये आप जब एग्ज़ाम आप देते हैं, एग्ज़ाम टाइम पे जो मार्क्स आपने देखा होगा, तो जो एग्ज़ाम टाइम पे मार्क्स आपको शो होता है वो आपका प्रोपोर्शनेट मार्क्स होता है। ठीक है, उसके बाद नॉर्मलाइज्ड मार्क्स होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि साइंस का एग्ज़ाम जो हुआ था कई शिफ्ट में हुआ था, जिसकी वजह से कुछ नॉर्मलाइजेशन ज़रूर होता है। अगर आपका एग्ज़ाम कई शिफ्टों में होगा तो नॉर्मलाइजेशन ज़रूर होगा, तो नॉर्मलाइजेशन हुआ तो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स, तो जो आपका जो रैंक प्रिपेयर होता है आपका किससे होता है, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स से होता है। ठीक है, तो इनकी नॉर्मलाइज्ड मार्क्स थोड़ा सा ज़्यादा हो गई है जो कि आपके प्रोपोर्शनेट मार्क्स से। ठीक है, तो ये हो गए आपके, ये आपका डाउट क्लियर हो गया, ये जो बॉक्स है आपका प्रोपोर्शनेट एंड नॉर्मलाइज्ड मार्क्स का। ठीक है, अब जो कंसोलिडेटेड पोजीशन होती है, कंसोलिडेटेड जो पोजीशन होती है ये आपके सभी स्टूडेंट्स की पोजीशन होती है। ठीक है, जो भी जितने भी कैटेगरी हैं आपकी, इन सभी कैटेगरी को लेके ये पोजीशन आपकी रहती है। ठीक है, तो ये होगी आपकी कंसोलिडेटेड पोजीशन जो होती है सभी कैटेगरी की रहती है, जिसमें कि आपके जैसे कि यूआर हो गए और आपके जो नील ओपन, ये सभी जो कैटेगरी होती हैं तो इसके आपके रहते हैं आपके कंसोलिडेटेड पोजीशन, जैसे कि गेस्ट फैकल्टी वगैरह हो गई। ठीक है, तो ये हो जाती है आपकी कंसोलिडेटेड पोजीशन। अब फिर क्या होता है, जिसके आपके यूआर हो गए, ठीक है, जनरल के, नील हो गए, ओपन हो गए, ये होती है आपके ये कैटेगरी हो गई। ठीक है, अब इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं रिजर्व कैटेगरी हो गई, फिर आपकी गेस्ट फैकल्टी कैटेगरी हो गई, फिर इधर आपके एसटीएससी, इस तरह से आपके जो कैटेगरी रहती हैं। ठीक है, तो ये कैटेगरी इस तरह से बटी हुई रहती हैं। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि इनमें आपके गेस्ट फैकल्टी की कैटेगरी नहीं है, तो ये गेस्ट फैकल्टी नहीं है, रिजर्व कैटेगरी नहीं है। ठीक है, और इनका जो रैंक है आपका सिर्फ कंसोलिडेटेड पोजीशन एंड यूआर में दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो आपका रिजल्ट का जो रैंक है वो इस तरह से आपको जानकारी हमने आपको प्रोवाइड किया कि कंसोलिडेटेड पोजीशन क्या हुआ, यूआर कैटेगरी क्या है, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स क्या है, प्रोपोर्शनेट मार्क्स क्या है। ठीक है, तो इस तरह से हमने आपको बताया, जैसा कि आप देख रहे हैं गेस्ट फैकल्टी रिजर्व कैटेगरी हो गई, ठीक है, गेस्ट फैकल्टी यूआर कैटेगरी हो गई, गेस्ट फैकल्टी, इस तरह से सभी कैटेगरी आपकी इस तरह से रैंक बनती है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको हमने जो जानकारी दी है सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा जो हमने आपको बताया, और अगर क्लियर हो गया है सब कुछ तो आप सभी जो भी डाउट हो तभी पूछ सकते हैं, और अगर ऐसा कोई डाउट नहीं है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा, जिससे सभी का यह डाउट क्लियर हो जाए, और चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस करते चलिएगा, जिससे कि अभी आने वाले बहुत सारे वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, वर्ग एक वर्ग दो एंड आपके आने वाले एग्जाम से जुड़ी जानकारी, साथ ही आपके एजुकेशन वीडियो जो आपकी प्रिपरेशन कराई जाएगी हमारे चैनल के माध्यम से। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।